हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के पैनल के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली की तरफ से कोई भी पैनल अभी तक जारी नहीं हुआ है, ना ही CCA कैंडिडेट का, PWBD का, ना ही एक्स सर्विसमैन का और ना ही नॉर्मल कैंडिडेट का। बाकी जोन में लगभग ऐसा रहा है कि किसी में नॉर्मल का नहीं आया है, लेकिन CCA वालों का आ गया है। इन दोनों जोन में अभी तक कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है, ना ही कोई अपडेट मिला है। तो आज के इस वीडियो में एक छोटा सा जो अपडेट है वो मेरे पास आया है। बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट की बात हुई है RRC ईस्टर्न रेलवे में और RRC नॉर्दर्न रेलवे में। तो वो कॉल रिकॉर्डिंग आपको मैं इस वीडियो में सुनवा देता हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और कॉल रिकॉर्डिंग में भी यही बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन का आप लोग वेट करें और आपका जो पैनल है उसका प्रोसेस चल रहा है, जल्दी आ जाएगा, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली की तरफ से बोला गया है। साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं, 10 अप्रैल को रोजगार मेला है, तो काफी चांसेस हैं कि उससे पहले इन दोनों जोन से कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा। बाकी चलिए रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली की है और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की है, और क्या यहाँ पे ऑफिशियल से बात हुई है वो आपको पता चल जाएगा। बाकी ऐसे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, आरआरसी दिल्ली से बोल रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, आरआरसी दिल्ली। पैनल कब तक आएगा हम लोगों का? पैनल का कोई डेट आया नहीं हमारे पास अब तक सर। इसका कोई अनुमानित तिथि नहीं है? अनुमानित कुछ नहीं है, कॉल सेंटर है, हो सकता है 2 दिन के बाद आ जाएगा, मेरा पास मैसेज आ जाएगा 2 दिन के बाद पैनल आ रहे। डेट फाइनल हो जाता तो मैं बता देता हूँ, अभी डेट कोई नहीं आया। सभी स्टूडेंट के साथ ही आएगा या अलग अलग आएगा? कितना? सभी स्टूडेंट का पैनल साथ में ही आएगा या अलग अलग आएगा? जैसे वो पता नहीं, जो वो कुछ काम दूसरे का काम होते हैं, कॉल सेंटर जो पैनल लेते हैं वो जानकारी देते हैं। अभी पैनल नहीं है, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। ओके सर, धन्यवाद। हेलो। हाँ सर, ईस्टर्न कोलकाता से बोल रहे हो ना? ईस्टर्न कोलकाता से बोल रहे हो सर? ईस्टर्न रेलवे से तो जरूर बोल रहा हूँ सर। ये हमारा पैनल कब तक आएगा? 1 महीना तो हो गया, सबका पैनल आ गया, बस यही बच रहा है। अच्छा हाँ, पैनल के बारे में ना तुमको बात करना पड़ेगा चेयरपर्सन से। तो उनके नंबर का नंबर तुमको ये मिले हैं? ये तुमको इसका नंबर के लिए नहीं है, ये नंबर कभी नहीं देगा तुमको कि पैनल के लिए आप इस नंबर से पूछो। तो इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती इस नंबर में? नो मॉडर्न दिस नंबर। कहाँ से तुमको मिला बताओ तो हम उसको पकड़ते हैं, एक कंप्लेन लॉन्च करेंगे। कहाँ से मिला है ये? हमारे ग्रुप के अंदर आया था, हमने कॉल कर दिया आपको। तो ग्रुप से लेके तुम हमको उल्टा ही बोल दोगे ये नंबर मिला है? ग्रुप का नंबर कैसे चल रहा है, तो कैसे मालूम हो गया कि हमको चेयरपर्सन था और इसके बारे में मालूम? क्या नाम है तुम्हारा? नाम राफिस सर। कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो बता दो थोड़े बहुत। नहीं रहता यार, रहता है तो तुमको बोल नहीं देता। चलो ये नंबर को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नंबर मिलेगा तुमको एकमात्र RRC का चेयरपर्सन या चेयरमैन जो है वही बता सकता है ना कि रिजल्ट वो कब निकालेगा। हाँ तो सर, इसलिए क्या कि हमको नंबर मिला तो किसी ने बोला कि इस नंबर में बता देंगे। रिक्रूटमेंट सेल जो भी होता है या रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, जो पैनल तैयार करके रेलवे को भेजता है और साइट में डालता है। हाँ तो सर, पता चल जाए कि साइट में पैनल निकल गया है, कौन सा डिवीजन अलॉट हुआ है, वहां पर जाके आप, वो भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पैनल आएगा आप लोगों को चिट्ठी जाएगा कि भैया आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए, कागज पत्र जमा दीजिए। इसीलिए कैंडिडेट को परेशान होने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमको रेलवे को जरूरत है, हमको नहीं रेलवे को जरूरत है आप लोगों को। नहीं तो मतलब वो आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं भी आएगा ना तब भी वेबसाइट में बोल देगा कि इस कारण से पैनल नहीं आया है।